ब्रोली की स्टोरी अपन को दो तरीके से देखने को मिलती है, नंबर वन कैनन एंड सेकंड वन नॉन कैनन। कैनन ब्रोली के बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता है, दैट्स वाई आज मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। नॉन कैनन ब्रोली के बारे में अगर बात करें तो ये एक्चुअली में कभी नहीं मरता और टाइम आने पर यह इवन वेजिटो के साथ भी बैटल करता है। आज मैं आपको ब्रोली की फुल स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे ब्रोली ने सभी धरतीवासियों के साथ सभी जी वॉरियर्स को वाइप आउट कर दिया और कैसे ब्रोली का आखिरी में वेजिटो के साथ भयंकर बैटल हुआ। तो ड्रैगन बॉल जी की फर्स्ट ब्रोली मूवी के अंदर जब गोकू ने ब्रोली को फिनिश किया तो यहाँ पर गोकू के सुपर पंच से ब्रोली बिना किसी डाउट के एक्चुअली में आफ्टर लाइफ में चला जाना चाहिए था, क्योंकि इस टाइम ब्रोली अपनी छाती में एक बड़े से होल के साथ स्पेस में टोटली अनकॉन्शियस था। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल फाइटर होता तो वो बिना किसी डाउट के आफ्टर लाइफ में चला जाता, बट यहाँ पर यह ब्रोली था और ब्रोली एक लीजेंड है। लीजेंडरी सुपर सेन होने की वजह से ब्रोली एक्चुअली में आफ्टर लाइफ में नहीं जाता, बल्कि वो धीरे धीरे अपने आप को रिकवर कर लेता है और पूरे 6 साल के बाद ब्रोली पूरी तरीके से हील होकर एक्चुअली में यहाँ पर होश में आता है। होश में आने के बाद ब्रोली सबसे पहले गोकू की पावर को सेंस करता है और अपनी लीजेंडरी स्पीड के साथ ब्रोली यहाँ पर स्पेस से होते हुए अपने बेस्ट एनिमी यानी गोकू की तरफ निकल जाता है। इस टाइम ब्रोली ने कई गैलेक्सीज को क्रॉस किया था केवल और केवल गोकू को फिनिश करने के लिए। तो अपने इतने लंबे सफ़र के बाद जब ब्रोली अर्थ पर अराइव होता है तो इस टाइम ब्रोली काफ़ी थक चुका था, क्योंकि इतने लंबे सफ़र में गोकू ने अपनी पूरी की पूरी पावर को यूज कर लिया था। दैट्स वाई ब्रोली अर्थ की ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाता है और अनकॉन्शियस कंडीशन में ओशन के नीचे पहुँच जाता है। आई नो ये काफ़ी अजीब सिनेरियो है, बट आई थिंक ये काफ़ी एक्यूरेट भी है। इसके बाद जब ट्रंस ओशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये ब्रोली को उसकी गहरी नींद से जगा देता है, और जैसे ही ब्रोली यहाँ पर गोटेन को देखता है तो वो अपने रेंज में आते हुए गोटेन के साथ ट्रंक्स की भी अच्छी खासी धुलाई शुरू करता है। इसके बाद यहाँ पर जी वॉरियर्स ब्रोली की एनर्जी को सेंस करके एक्चुअली में बैटल फील्ड पर बैटल करने आ जाते हैं। जब तक जी वॉरियर्स बैटल फील्ड पर आते तब तक ब्रोली ने ट्रंक्स को कुछ इस तरह अनकॉन्शियस कर दिया था और गोटेन को ब्रोली ने उसके गर्दन से कुछ इस तरह पकड़ रखा था। क्योंकि बैटल फील्ड पर वेजिटा को ट्रंक्स दिखाई नहीं देता तो वो अपनी पूरी पावर के साथ ब्रोली पर अटैक करना शुरू करता है। वेजिटा एंड ब्रोली के बैटल के अंदर ब्रोली एवरी सेकंड को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। टाइम के साथ यहाँ पर और भी वॉरियर्स हेल्प करने आ जाते हैं, बट अपने लीजेंडरी फॉर्म के अंदर ब्रोली टोटली अनस्टॉपेबल और अनटचेबल था। ब्रोली ने अपने लीजेंडरी फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक्चुअली में सभी को सरपास कर दिया था। ब्रोली इस टाइम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे डिस्ट्रॉय कर पाना सभी जी वॉरियर्स के बस की बात नहीं थी, तो वो ब्रोली को यहाँ पर भी एक्चुअली में मूवी के तरह सन के अंदर ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। देन टाइम आने पर सुपर सेन 3 गोकू गोहान एंड वेजिटा की हेल्प से ब्रोली को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालते हुए ब्रोली को यहाँ पर सन की तरफ भेज देता है। मैक्सिमम यूनिवर्सेस के अंदर ब्रोली सन से टकराकर एक्चुअली में आफ्टर लाइफ में पहुँच गया था, बट यूनिवर्स 20 के अंदर आउटकम ऐसा नहीं रहता। इस यूनिवर्स के अंदर जो ब्लास्ट एक्चुअली में ब्रोली को लेकर यहाँ पर सन की तरफ जा रहा था वो एक्चुअली में अपने टारगेट को मिस कर देता है और सन के थोड़ा पास होकर एक न्यू डायरेक्शन की तरफ निकल जाता है। देन इसके कुछ सालों तक ब्रोली स्पेस के अंदर टोटली अनकॉन्शियस कंडीशन में रहता है, बट जैसे ही मैंने पहले बताया कि ब्रोली एक लेजेंड है तो वो यहाँ पर अनकॉन्शियस जरूर था बट वो मरा नहीं था। अपनी स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती, बल्कि जब ब्रोली अपनी पूरी पावर को रिगेन कर लेता है तो ब्रोली होश में आकर अर्थ पर अपनी थर्ड एंट्री मारता है, और इस टाइम ब्रोली का ये वर्जन पावर के मामले में इवन वेजिटो का भी राइवल बन चुका था। अपनी थर्ड एंट्री पर ब्रोली सबसे पहले यहाँ पर सभी धरती वासियों को एक ही झटके में वाइप आउट कर देता है, देन गोकू के साथ सभी जी वॉरियर्स को आफ्टर लाइफ में पहुँचा देता है। क्योंकि गोकू के बाद ब्रोली का कोई टारगेट नहीं था तो वो अपनी कमाल की पावर के साथ यहाँ पर एक के बाद एक गैलेक्सीज को इरेज करने लगता है, और इसी तरह गैलेक्सीज को इरेज करते हुए ब्रोली अपने यूनिवर्स के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ वाइप आउट कर देता है। सभी को मारने के बाद जब ब्रोली को किसी की एनर्जी सेंस नहीं होती तो वो शांत होकर स्पेस के अंदर रुक जाता है, और टाइम आने पर स्पेस की ठंड की वजह से ब्रोली एक जाइंट आइस क्यूब के अंदर फ्रीज हो जाता है। दैट्स वाई जब वायरगस के लोग यूनिवर्स 20 के अंदर मल्टीवर्सल टूर्नामेंट का इन्विटेशन लेकर आते हैं तो उनको इस यूनिवर्स के अंदर कुछ नहीं मिलता,
उनको मिलता है तो केवल एक जाइंट आइस क्यूब जिसके अंदर लेजेंडरी सुपर सेन ब्रोली ट्रैप था। आज की वीडियो के अंदर मैंने नॉन कैनन ब्रोली की एक्चुअली में फुल स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं जल्दी इस वाले ब्रोली की फुल स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जहाँ पर इसके कई पार्ट्स होंगे। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रोली इतना पावरफुल है तो इसको डिफीट किसने किया होगा। वेल, मल्टीवर्स के टूर्नामेंट में ब्रोली का फर्स्ट बैटल यहाँ पर एक्चुअली में यूनिवर्स 16 के वेजिटो से होता है। तो वेजिटो सुपर सेन के लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म होकर इस वाले ब्रोली को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटो के फाइनल अटैक से ब्रोली मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर एक प्लैनेट पर पहुंच गया था और यहाँ पर ब्रोली की एक्चुअली में पत्ती कुल नहीं हुई थी बल्कि ब्रोली अपनी लीजेंडरी फॉर्म से यहाँ पर अपनी बेस फॉर्म के अंदर आ गया था। वेल, मैं इस वाले बैटल को भी जल्दी कवर करूँगा। बाकी अब आप लीजेंडरी सुपर सेन ब्रोली के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।